हेलो गाइस, वेलकम बैक टेक्नोलॉजी लुक चैनल। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे रियलमी के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, यानी कि लॉकडाउन के कुछ महीने बाद इस फ़ोन को जो है लॉन्च इंडिया में, और इसका अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। दोस्तों, जिस फोन के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रियलमी X3। हम बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एंड्रॉयड V10 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड सिस्टम होने वाला है। इसके साथ ही साथ बात करें हम यहाँ पर डिस्प्ले साइज़ के बारे में, तो 6.4 इंच का डिस्प्ले साइज देखने को मिलने वाला है, जो कि सुपर अमोलेड होने वाला है। इसके साथ ही साथ 4 इंच गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन इसमें मिलने वाला है। और यहीं बात करते हैं प्रोसेसर की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और इसके साथ ही साथ इसका जो शुरुआती वेरिएंट आने वाला है वो है 4GB और 64GB, और इसके अलावा इसका नेक्स्ट वेरिएंट है 6GB, 64GB, 6GB, 128GB और भी वगैरह। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें कैमरा की, तो इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल के, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल जो कि वाइड एंगल एंड अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ आने वाला है। थर्ड कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का, जो कि टेलीफोटो लेंस के साथ आएगा। और फोर्थ कैमरा है वो है 2 MP का, जो कि डेप्थ सेंसर के साथ आने वाला है। इसके साथ ही साथ बात करें फ्लैश की, तो इसमें फ्लैश भी अवेलेबल है। और यहाँ पर बात करें सेल्फी कैमरा की, तो 32 MP का सेल्फी कैमरा इसमें दिया गया है। और इसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं बैटरी की, तो 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली, जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी। लेकिन इसमें चार्जर का भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि चार्जर कितने वॉट का हो सकता है, या फिर चार्जर की लिमिट क्या होगी फ़ोन को चार्ज करने की। अब दोस्तों, बात करें नेटवर्क की, तो हमेशा की तरफ 4G, 3G, 2G अवेलेबल है। और इसके साथ ही साथ इसमें जो ब्लूटूथ, वाईफाई, USB Type-C, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, जो आम फोन में हमें देखने को मिलती है। और यहीं बात करें दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें आपको अवेलेबल है, जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। हालाँकि रियलमी का अभी एक नया स्मार्टफोन आया, जिसका नाम है Realme 6, उसमें आपको पावर बटन के पास फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला था। और दोस्तों, इसमें जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे फ़ोन के कुछ स्पेसिफिकेशन जो हमने आपको बताए हैं। और दोस्तों, इसकी जो है अभी लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, और ना ही इसकी अभी कोई इमेज सामने आई है। बस रियलमी ने अपने तरफ से ये कन्फर्म किया है कि इस फ़ोन को जो है, इस फ़ोन पर रियलमी की तरफ से काम चल रहा है, और जल्दी इस फ़ोन को जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।